फ्रेंड्स, आज हम आगाज किचन में बीफ चॉप्स बनाने जा रहे हैं। बहुत इजी रेसिपी है, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ में मैंने इसको मैरिनेट किया है और इसको मैंने पैन ग्रिल किया है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। साथ में ही मैंने बुल्गर सैलेड बनाई है जो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, और मैंने हुमूस के साथ में इसको सर्व किया है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो ये देखिए, मेरे पास ये एक बड़े साइज का चॉप है जिसको आज हम प्रिपेयर करेंगे। इसका मैरिनेशन तैयार करेंगे। एक मैंने बोल लिया सोया सॉस ऐड करूंगी, कुटी हुई काली मिर्च, सॉल्ट, गार्लिक पाउडर और थोड़ी सी शुगर ऐड करिए। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, चॉप के पीस है, उसके ऊपर मैं अपना जो मैरिनेशन हमने रेडी किया है उसको डालूंगी। बहुत अच्छी तरह से रब करेंगे ताकि सारा मैरिनेशन अंदर तक चला जाए। इसको टर्न करेंगे बैक साइड पर भी। देखिए सेम प्रोसीजर, मैरिनेशन डाला और इसको हम रब करेंगे। इसी तरह से हम अपने दूसरे पीस के ऊपर भी लगा लेंगे। ठीक है, मैं इसको कवर करूंगी और इसको ओवरनाइट मैं मैरिनेट करने के लिए रखूंगी। ग्रिल पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। ये देखिए मैरिनेट हो चुका है, इसको हमने आराम से इसके ऊपर रखा और इसको हम स्लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे उतनी देर जितनी देर ये हमारा चॉप जो है वो गल नहीं जाए। ठीक है, बुल्गर सैलेड को रेडी करेंगे। देखिए बुल्गर हमारे बाजार में इस तरह से पैकेट्स में मिलता है, बहुत ईजी अवेलेबल है। किसी भी सुपरमार्केट पर आप चले जाएं, हर जगह ये मिलता है। मैंने स्मॉल वाइट कलर का यूज़ किया है। इसको सोक करूँगी सबसे पहले, तो एक बोल लिया है मैंने, 3 टेबल स्पून इसमें बुल्गर डालेंगे। उसमें देखिए बड़े साइज़ का लेमन था, मैंने पूरा लेमन इसको स्क्वीज़ किया, ये मैं पूरा लेमन इसमें यूज़ करूँगी। साथ में ही मैं ओलिव ऑयल डालूँगी। ये ओलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन ओलिव ऑयल है, खाने में ड्रेसिंग्स में यूज़ होता है, सिर्फ वो यूज़ करेंगे। पकाने का ओलिव ऑयल डिफरेंट आता है, खाने का ओलिव ऑयल डिफरेंट होता है। दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, अलग अलग है, अलग अलग यूज़ करेंगे। इसको अच्छी तरह से मैं देखिए मिक्स कर लूँगी और इसको मैं 30 मिनट्स के लिए कम से कम रखूँगी ताकि ये बहुत अच्छी तरह से गल जाए। ये ओलिव ऑयल और लेमन जूस जो है वो इसको गलने में मदद करेगा। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे जब तक हम अपनी सैलेड को रेडी करेंगे। कुकम्बर चॉप करेंगे। इसको मैं बोल में ट्रांसफर करूं। कैरेट को पील किया सबसे पहले, चॉप करेंगे। इसको बोल में ट्रांसफर करेंगे। अब मैंने एक टोमेटो लिया है, इसको भी मैं चॉप करूंगी।
ये देखिए पार्सले है मेरे पास, फ्रेश पार्सले की स्मेल भी और टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत मज़ेदार लगता है सैलेड के अंदर। बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। एक मीडियम साइज की अनियन ली है, उसको पील करेंगे और उसको भी इसको हाफ करूंगी और स्लाइस में काट लूंगी। थोड़े से लेटस लीव है, इसको पहले वॉश कर लीजिए, इसकी बीच की स्टेम्स निकालेंगे और इसको बारीक चॉप करेंगे। एक बड़ा बोल लिया मैंने, ठीक है। सारे वेजिटेबल्स जो हमने काटी थी वो हम इसमें ट्रांसफर करेंगे। मिक्स करेंगे सारे वेजिटेबल्स को। अच्छा ये देखिए हमारा बोर्डल जो है वो बिल्कुल गल चुका है, बहुत अच्छे से इसने ओलिव ऑयल और लेमन जूस को सोक कर लिया है। 30 मिनट से ज़्यादा हमारे ये हो चुके हैं, बिल्कुल देखिए बहुत अच्छी तरह से सोक हो चुका है, देखने में भी लग रहा है कि एकदम गल गया। चेक करेंगे, ये देखिए गल चुका है। इसको मिक्स करेंगे इसके अंदर। ये मैं सुमेक पाउडर है उसको ऐड करूंगी टेस्ट को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें कॉर्न, बॉइल्ड कॉर्न ऐड करूंगी, सॉल्ट ऐड करेंगे। अच्छा ओलिव ऑयल क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं इसलिए अब ऊपर से इसको सिजल करने की ज़रूरत नहीं है। चेक करेंगे हम अपने चॉप्स को, साइड टर्न करेंगे। ये देखिए एक साइड हमारा बिल्कुल कंप्लीट टर्न हो चुका है, दूसरी साइड से भी पकाएंगे। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं बनाइएगा क्योंकि ये फिर ऊपर से तो जल जाएगा और अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाएगा, इसलिए इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर बहुत आराम से। ये देखिए डन हो चुका है हमारा, सैलेड रेडी है। मैं साथ में हुमूस के साथ में इसको सर्व कर रही हूँ और खुबूस के साथ में। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा और इस बकरीद पर ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।